हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ बीमानी और मेरे चैनल में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें रिव्यू करता हूं जिससे मुझे फ़ायदा हो और वही एक्सपीरियंस मैं आप तक शेयर करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ मेरा वन ऑफ द फेवरेट गैजेट। और आपको तो पता है कि पूरे इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और यही टाइम पे घर पे क्या किया जाए, सब वही सोच रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरा एक फेवरेट गैजेट जिसके साथ मैं आवर्स के आवर्स बिता सकता हूँ उसके बारे में आपको मैं बताऊँ। दोस्तों, ये जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है अमेज़ॉन का किंडल। दोस्तों, ये अमेज़ॉन का जो किंडल है ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, ये जिसको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक डिजिटल ई बुक है और ये कोई ऐसी वैसी ई बुक नहीं है। ये बहुत ही हाई क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का ई बुक है। इसके दोस्तों मेजर मेन फीचर्स ये है, एक तो इसमें बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, तो मैंने जो ख़रीदा हुआ है वो अमेज़ॉन किंडल पेपरवाइट है जिस जो करीब करीब 12-13 हज़ार रुपये का आता है। और दोस्तों, इसमें ये बेनिफिट है कि इसमें इनबिल्ट लाइट भी है, तो ये आप रात को पूरा डिम लाइट, पूरा लो लाइट में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके जो मेन फीचर्स है, आइए मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो मेमोरी है उसमें आप करीब करीब 1000 से तो ज़्यादा बुक्स स्टोर कर ही सकते हैं और हर एक बुक आप जो स्टोर कर रहे हैं उसको आप पढ़ के जिधर बीच में अगर आप छोड़ रहे हैं तो वहीं से वो स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी एडवांटेज इसका ये है कि इसमें आप इतने छोटे से डिवाइस में आप एज़ गुड एज़ अनलिमिटेड बुक्स स्टोर कर सकते हैं। तो आपके ये जो लाइब्रेरी भर जाती थी घर पे, कबर्ड्स भर जाते थे। और मेन है जो ट्रैवल में आप और आपकी वाइफ, आपकी पूरी फैमिली अगर ट्रैवल कर रही है तो सब की एक एक बुक्स अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक छोटे से पर्स में भी स्टोर हो जाता है। दोस्तों, इसकी जो बुक्स है ये आपको इनके अमेज़ॉन किंडल के स्टोर में भी मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप अमेज़ॉन शॉपिंग के ऐप पे भी आप ख़रीद सकते हैं। और सारी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी बुक्स करीब करीब नॉर्मल MRP से आधे रेट में मिलती है अगर आप उसको किंडल में पढ़ना चाहें। और दूसरा ये है कि अगर आपने आपका किंडल ऐप आईपैड है या कोई लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें अगर आपने डाल दिया है तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आपकी सारी रीडिंग की हिस्ट्री उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं और आप से एक्स पेज पे रुक गए और फिर घर पे आके आपने किंडल पे पढ़ना स्टार्ट किया तो उधर ही से वो स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, सबसे इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये सस्ती मिलती है और इमीडिएटली मिलती है। जैसे कि आप इसको कोई एक बुक लॉन्च हुई तो आपको उसको किधर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप अमेज़ॉन शॉपिंग में जाइए और उसको आप बाय कर लीजिए। अगला इसका फीचर है कि आपको इसमें एक चैप्टर पूरा सैम्पल के लिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जो बुक्स पढ़ते थे उसके हम बैक साइड पे थोड़ा उसका दिया हुआ रहता था, वो पढ़ के गेज करते थे कि बुक कैसी है, बट इसमें ऐसा नहीं है। आप
एटलीस्ट 15 से 20 पेज आपको स्टार्ट के सैंपल दिए हुए थे, जो आप पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये बुक ख़रीदनी है कि नहीं। उसके बाद अगर आपने ये बुक ख़रीद ली और 7 दिन तक आपको उसमें रिफ़ंड का ऑप्शन भी है, तो अगर आप 7 दिन में ये पूरी बुक पढ़ सकते हैं तो फिर एज़ गुड एज़ आपको फ्री हो गई, या फिर आप बुक पढ़ रहे हैं आधी बुक हो गई आपको बोर हो रहा है तो आप उसको रिफ़ंड भी ले सकते हैं। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स तो बहुत है इसके। इसकी किंडल अनलिमिटेड करके एक मेंबरशिप आती है, अगर वो आप ले लेंगे तो करीब करीब 20-50 हज़ार बुक्स उसमें हैं जो आपको एकदम रद्दी के भाव में मिलेगी या ऑलमोस्ट फ्री मिलेगी। और दोस्तों ये इसके दो इम्पोर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बताए। तीसरा इम्पोर्टेंट फीचर है कि इसको आप इसमें कोई भी वर्ड पे अगर आप टैप करेंगे तो तुरंत उसका आपको मीनिंग भी मालूम पड़ जाएगा, और मीनिंग भी नहीं उसकी पूरी एक छोटी सी हिस्ट्री भी मालूम पड़ जाती है वो वर्ड की, नाउन एडजेक्टिव वर्ब उसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है। तो देखिए मैंने आपको एक ग्लिम्स बताया कैसे मैं एक वर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ और कैसे उसकी हिस्ट्री आ जा रही है। एक मिनट, दोस्तों ये एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है क्योंकि हम बुक्स पढ़ते हैं और हमको उसके मीनिंग्स बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग मालूम नहीं पढ़ते हैं तो हम उसको इग्नोर करके आगे चल जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो इसका बढ़िया फीचर ये है कि आपको अगर कोई इसका पैराग्राफ या कोई इसकी लाइन अच्छी लगे तो आप उसको सिलेक्ट करके अलग से नोट्स में सेव कर सकते हैं और फिर आप बुक वाइज सारी नोट्स रिफ़र कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको एक छोटा सा डेमो बता देता हूँ, देखिए कैसे मैं एक नोट्स एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसको नोट्स में सेव कर रहा हूँ। दोस्तों रात को पढ़ने का जो इसका फीचर है वो इतना बढ़िया है, मेरी वाइफ को पढ़ने का इतना शौक़ है और रात को जब सब सो जाते हैं लाइट बंद हो जाती है तो वो अपनी बुक्स पढ़ती है, तो लाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक छोटी सी लाइट इसमें से आती है, इनबिल्ट है जिससे आप पढ़ सकते हो। और इसका जो डिस्प्ले है वो ऐसा बनाया है कि आपके आईज़ को ज़रा भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, आप घंटों घंटे इसको यूज़ कर लीजिए तो भी आपको आईज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। ये जो फीलिंग्स दी हुई है, इसकी जो फीलिंग दी हुई है रीडिंग की, वो एग्जैक्टली सेम एज़ आप एक फ़िज़िकल बुक पढ़ रहे हैं। दोस्तों इसकी जो बैटरी लाइफ भी है वो एक चार्ज में करीब करीब 15 दिन तो चली जाती है, अगर आप दिन के 2-3 घंटा अगर रीड कर रहे थे तो बैटरी लाइफ का भी कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों इन ऑल मैंने आपको इतने सारे उसके फीचर्स बताए, ये एक इन्वेस्टमेंट है दोस्तों क्योंकि आप बुक्स ख़रीद सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, इसको कैरी कर सकते हैं, और बुक्स पढ़ना बहुत ही अच्छी आदत है। 12,000 रुपये में आपको ये डिवाइस मिल रहा है और आज मैं ऑलमोस्ट 5 साल से तो इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही ये आउटडेट हो चुका है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ आप किंडल में इन्वेस्ट करिए, बहुत ही अच्छा डिवाइस है, अमेज़ॉन पे आपको इजीली मिल जाएगा और उसके बुक्स भी आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस अबाउट अमेज़ॉन किंडल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।